क्या मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुसाए कुछ क्रूर शैतानी न थे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका, मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। ढाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली बाई है। अश्वचढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शाम आई है। अंग्रेजों के अत्याचार देख कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे निकलते हैं। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, बेलाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। ये देख देश के नौजवानों में और जोश जाग उठा। तभी देश की आजादी के लिए एक नौजवान जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से बढ़कर जन गण मन, ये देश है बेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। तेरी माटी